बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो का मौजू जश्न आज़ादी और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम अल हराम है, और सबसे पहले मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये मैसेज देता हूँ कि इस बार जो मुहर्रम अल हराम का महीना और 14 अगस्त एक साथ आ गए हैं, कुल लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि जश्न आज़ादी मनाते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि मुहर्रम अल हराम का वो महीना है जिसमें नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतार और असहाब व रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के का महीना है। तो इस महीने का अदब हम तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है, तो इसको फ़र्ज समझते हुए हम अपनी मुल्क के पाकिस्तान की आज़ादी का दिन उस तरीके से मनाएं जिस तरह अल्लाह और रसूल राज़ी हो। तो लिहाजा क़ुरान की तलावत और दुरूद शरीफ का वज़ाइफ़ करते हुए अल्लाह अल्लाह करते हुए जश्न आज़ादी की खुशियां और शहदाए करबला के लिए दुआ करते हुए ये महीना गुजारें, और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए जो मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे और तमाम मुश्किलें आसान करे, और अहले बैत के सदक़े शहदाए करबला के सदक़े हमारे मुल्क को ता कयामत कायम और दायम रखे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो मैसेज है इसको तमाम पाकिस्तानी इस मैसेज को फॉलो भी करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे भी। तो प्लीज़ इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मिलने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए मोइन काज़मी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।